अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है डिफाइन ऑक्साइड्स एंड देयर टाइप्स जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्साइड, व्हाट इज़ ऑक्साइड। ऑक्साइड से आपको मिलता जुलता नाम है हमारे पास एक ऑक्सीजन, सही है। तो यानी कि केमिकली अगर ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव हो और इट कंबाइन रीडली विद ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट नॉबल गैसेज हेलोजीन्स टू फॉर्म इट्स बाइनरी कंपाउंड्स, एंड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्साइड एक केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कंबाइन रखने के लिए, यानी कि कंबाइन किसी के साथ भी कंबाइन होने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है किसी भी चीज़। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब ऑक्सीजन तो होता ही है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सही है। और अब जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सोडियम वो सल्फ्रिक एसिड है, ये हमारे पास सल्फ्रिक एसिड है, सही है। तो यानी कि मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्ट कर लेता है, और सबसे अहम NaOH यानी कि सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सही है। दैट क्लियर। यानी कि ऑक्सीजन मैंने आपको एग्जांपल्स किस वजह से बताई, मैंने आपको ये एग्जांपल इस वजह से बताई ताकि आपको ये पता चले। और ये ऐसी आम एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग उसे एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम सांस लेंगे अंदर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उस पर है नाइट्रोजन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इस बात की शायद किसी को पता ना हो, लेकिन बायो जो पढ़ रहा होगा उसमें अभी मैट्रिक में भी आ चुका है, और जो जो एजुकेशन के उसके अंदर होंगे उन्हें पता होगा कि नाइट्रोजन जो वो हवा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। NaOH का इस्तेमाल, यानी कि नमक का इस्तेमाल, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि खानों के अंदर करते हैं। तो इस वजह ये सोडियम सल्फ्रिक एसिड है, ये भी आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ लिया होगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने भाई क्या बोला कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव है, यानी कि ऑक्सीजन किसी के साथ भी ना मिल जाता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब जो है क्या कहेंगे, एक जिसके हर किसी के साथ मिला जुला है, कि हर किसी के साथ मिल जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, इस तरीके से आप देख लें। और नॉबल गैसेज एक्सेप्ट नॉबल गैसेज, यानी कि उसके साथ साथ नॉबल गैसेज भी, हेलोजीन्स भी, एंड ये बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड कौन कौन से, मेटल और नॉन मेटल। अब CaO ये सारी इन्होंने एग्जाम्पल दे दी, और मेन मैंने तो बताना ही भूल गई, वाटर H2O क्या है, ऑक्सीजन, सही है। इसके बाद अगर हम बेसिस पे बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेज पे इसको अलग कर जा सकता है, और इसकी वैलेंसीज पे, वैलेंसीज नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सही है। ऑक्साइड्स कैन बी सेवरल डिवाइडेड इनटू नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड, ये चार के अंदर डिवाइड करा गया है केमिस्ट्री की मैट्रिक क्लास की बुक। नॉर्मल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन शोज नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंस -2, बैलेंस इसका -2 होगा और ये नॉर्मली बिहेव करेगा। अब इसमें बेसिक होता है, इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। बेसिक में क्या होता है, ये नॉर्मली मेटल्स से जो है रिएक्ट करता है। अगर आप इसमें से कोई भी एक लिख देंगे NaO बना लिया, अब ये जो है अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये अब NaOH जो बनाया होगा वो पानी से रिएक्ट करेगा और हमें जो है ना एक ऐसा बेस बना के देगा जिसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, नमक, सही है, नमक बनाने का तरीका। दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये मैग्नीशियम सॉल्ट एंड वाटर, इनके इसके अंदर एच मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और Cl हमारे पास क्या है, Cl हमारे पास सॉल्ट है, तो अगर ये ऐसे रिएक्ट करेगा तो एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी कि HCl हमारे पास एसिड है, एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर देगा, वाटर दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है, सही है। या आपको थोड़ी सी केमिकल इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है पूरा तो हम मैग्नीशियम वगैरह ये पूरा नहीं बता सकते। उसके बाद है एसिडिक ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक, यानी कि एसिडिक जो होते हैं ये जनरली नॉन मेटल होते हैं, और एसिडिक इनके CO2 हो गया। अब ये रिएक्ट विद वाटर टू फ्रॉम एसिडिक ब्लू लिटमस चेंज टू रेड, ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड, ये सल्फरस एसिड है,
सल्फ्रिक एसिड नहीं है, सल्फ्रिक एसिड में ओ की जगह यहाँ फोर आता है, यहाँ थ्री आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर जैसे कि आप, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी जो पहले में आ रही हो वही आप वहाँ लिखें, और वही अगर हो तो आप ये वाली यहाँ कर लेंगे, ये सारी क्योंकि मिली जुली होगी, बाकी आपकी मर्जी। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि ये अल्कलीज अल्कली से रिएक्ट करने के बाद इसके क्या होगा, ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, यहाँ पास सॉल्ट बन गई, यहाँ पास वाटर बन गया, सही है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं कि इनके पास ड्यूअल करेक्टर होता है, यानी कि ये नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मींस यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। तो अब ये अल्मोनियम है, ये बस जिंक है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे अल्मोनियम ऑक्साइड बनाने का जिंक ऑक्साइड बना लेगा। अब जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से, ये अल्मोनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड, तो ये एक प्रॉपर्टी बिहेविंग करेगा बेस का, और जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो बिहेवियर करेगा एसिड से। जब इसने एक और दफ़ा मैं आपको रिपीट करूँ, आई जस्ट रिपीट अगेन, अल्मोनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर जब अल्मोनियम एसिड से रिएक्ट करता है तो बिहेव करता है, एबनॉर्मल हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, वो बेस की प्रॉपर्टी दिखाता है, और जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो ये एसिड की प्रॉपर्टी दिखाता है। अब इसके अंदर ये सॉल्ट एंड वाटर प्रॉपर्टी से अल्मोनियम रिएक्ट करें HCl में, कहाँ पढ़ा था HCl में, इधर पढ़ा था जब हमने इधर बोला था कि दे रिएक्ट विद एसिड, तो एसिड ये यहाँ आ गया। अब इन्होंने यही बोला कि एम्फोटेरिक रिएक्ट विद एसिड, तो ये क्या बनाता है, बेस, ये बेस है हमारे पास, ये वाटर है, ओके। और अब ये जब रिएक्ट करेगा बेस से, अल्कलीज किसे कहते हैं, अल्कलीज बेस को कहते हैं, यहाँ भी अल्कलीज का नाम आया हुआ था इधर, तो अल्कलीज यानी कि जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी देगा, एसिडिक देगा, ये हमारे पास क्या है, बेस। NaOH आपको पीछे मैं आपको दिखा दूँ, NaOH हमारे पास, हमने बनाया था नमक, ये रहा, ये हमारे पास क्या था, बेस था। जब हमने ये नमक बनाया तो हमारे पास एसिड की प्रॉपर्टी मिली और वाटर में ये हुआ। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड सबसे ईजी है, न्यूट्रल ऑक्साइड समझा वाटर है, क्योंकि ये तो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, हम पानी पीते हैं, हमें कोई रिएक्शन होता है, हमें पानी में कोई खट्टा हमें नज़र आता है, पानी में हमें कोई मीठा नज़र आता है, पानी में कोई कड़वा हमें महसूस होता है, जब उसकी पानी की जो है वो कंसिस्टेंसी या नमक उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो जाता है, तो जब जाके समंदर का पानी, आप बोलेंगे भाई समंदर का पानी तो कड़वा होता है, अजीब सा होता है क्योंकि उसके ना नमक मिला होता है, उसकी रिएक्शन होगा, लेकिन अगर हम जो अपना नल का पानी, साफ़ पानी आता है वो अगर पिए तो वो बिल्कुल साफ शफाफ होता है, वो कड़वा ना नहीं हमें कड़वा ना खट्टा ना मीठा ना कैसा भी जो है मिर्चों वाला कुछ नहीं लगता, नॉर्मल लगता है, क्योंकि ना वो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, समझ में आ गई। या पहले आर नीधर यानी कि ना ही एसिडिक एंड नॉर बेस, यानी कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेस, न्यूट्रल टू लिटमस इन एक्वा सॉल्यूशन। और सुपर पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड यानी कि इधर जो भी मॉलिक्यूल दिए गए होंगे ना वो दो दो होंगे, जैसे कि इस जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ओके, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। हाइड्रोपर ऑक्साइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर ऑक्साइड, ओके, क्योंकि इसमें नीचे आपको सुपर पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी समझाया गया है, ओके। तो आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इन दीज ऑक्साइड ऑक्सीजन हेल्थ ऑक्साइड ऑक्सीडेशन इज -1, सही है, -1। अब उसके बाद सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसकी 0 होती है पर माइनस के अंदर होती है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ऑक्सीजन रेट और बैलेंस नंबर ये होता है। अब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिख दें, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड लिख दें, कैल्शियम पर ऑक्साइड एक लिख देंगे, बस आपको बहुत ज़्यादा स्वाद मिल जाएगा। सब ऑक्साइड हैज़ बीन लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन देन द नॉर्मल ऑक्साइड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती है नॉर्मल ऑक्साइड से, कार्बन सब ऑक्साइड, ये तीन है या दो, ओके, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये गलत कर देंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जल्द से जल्द जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी वो आपको मिलेंगी सब्सक्राइब करने से, और मेरे चैनल को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ 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 शेयर भी कर दिएगा, और मेरी पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको इस
चैप्टर से रिलेटेड पिछली वीडियो के कुछ हावनों हो सके। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी समझना हो या कोई टॉपिक मालूम करना हो मुझे कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।